गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आज हम फोर्थ डे का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन्स नेपियर इन्वेंटेड ए कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड। जो जॉन्स नेपियर हैं उन्होंने जो कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था उसका नाम था नेपियर्स बोन्स। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कैसे होते थे? हाई परफॉर्मेंस होते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। किस कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था? तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होती है? तो टू टाइप्स की होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट वन इज बाइनरी डिजिट आर नोन एज। बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है? बाइट्स। नेक्स्ट वन इज रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो यस, आंसर इज यस। नेक्स्ट वन इज विच की शुड टू कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट। कौन सी की से हम कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस सी से। नेक्स्ट वन इज विच की शुड यूज प्रेस टू ओपन फाइल। ओपन फाइल की को प्रेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की लगती है? कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट है अ बाइट इज इक्वल टू डैश। एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 bits के बराबर। नेक्स्ट है क्लिक ऑन इट टू चेंज योर पिक्चर लुक योर डिवाइस और साइन आउट। आंसर इज अकाउंट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज डैश मीन्स टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट द वर्ड आर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन क्लिकिंग द डैश टैब इज कॉल्ड फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज द शेप्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन द ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब। आंसर इज इंसर्ट। नेक्स्ट वन इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर कॉल्ड सेल्स। नेक्स्ट टू इंसर्ट अ रो इन अ टेबल क्लिक द डैश टैब इज कॉल्ड इंसर्ट। नेक्स्ट वन इज द अलाइनमेंट ग्रुप इज अवेलेबल ऑन क्लिकिंग द डैश इज कॉल्ड लेआउट। नेक्स्ट द फ्रंट ग्रुप इज अवेलेबल ऑन क्लिकिंग द डैश टैब इज कॉल्ड होम टैब। नेक्स्ट वन द डैश कंटेन कमांड डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स इज कॉल्ड रिबन। नेक्स्ट वन इज द डैश इज अ पेज कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप द रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। नेक्स्ट वन इज डैश इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर अ कैलकुलेटिंग नंबर्स इज कॉल्ड एक्सेल। एक्सेल जो है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है कैलकुलेटिंग के लिए।